हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो गब्बर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाएं और बैंक से जब आप पैसे विड्रॉ करें तब आपको वही नंबर का नोट मिले जिस नंबर का नोट आपने बैंक में जमा करवाया था। इमेजिन कीजिए कि आप एक बार कुछ 500 के 100 नोट बैंक में जमा करवाने गए। जब आप नोट्स को काउंट कर रहे थे तब सडनली आपका ध्यान एक नोट के नंबर पर गया और वो नोट का नंबर आपका लकी नंबर था। आपने वो पैसे बैंक में जमा तो करवा दिए लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब मैं ये पैसे विड्रॉ करने जाऊं तब यही मेरा लकी नंबर का नोट तो एटलीस्ट मुझे वापस मिले। क्या ऐसा हो पाएगा? आप कहोगे ऑब्वियसली नो, ऐसा नहीं हो सकता। यह जरूर है कि आप अगर 500 रुपए बैंक में जमा करवाओगे तो बैंक से आप 500 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। मतलब 500 रुपए का एक नोट 500 रुपए के दूसरे नोट के साथ क्या होता है? इंटरचेंजेबल। दोस्तों, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है फंजिबिलिटी। इट मींस एक नोट 500 का दूसरे 500 के नोट के साथ फंजिबल है। दोस्तों, इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन फंजिबल, ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है। अब वही वापस इमेजिन कीजिए कि आपके एक 500 रुपए के नोट पर आपने अमिताभ बच्चन जी का सिग्नेचर ऑटोग्राफ लिया हुआ था। आपको वो कभी मिले, आपने 500 रुपए का नोट निकाला और अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट की, उनका ऑटोग्राफ आपने 500 के नोट पर लिया। क्या ये 500 का नोट आप किसी दूसरे 500 के नोट के साथ चेंज करोगे? आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि एक 500 रुपए का नोट केवल एक ऑटोग्राफ की वजह से अपने आप में यूनिक हो गया। दोस्तों, इसी चीज को कहा जाता है नॉन फंजिबल। कोई ऐसी यूनिक चीज, कोई ऐसी आर्ट, कोई ऐसा फोटो, कोई ऐसा पेंटिंग, कोई एक ऐसा वीडियो, कोई एक ऐसा GIF जो बहुत यूनिक है, जो आर्टिस्टिक वैल्यू रखता है, वो अपने आप में दूसरे किसी आर्टिस्टिक चीज से या दूसरी किसी चीज से फंजिबल नहीं है। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन फंजिबल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक क्रिप्टो मार्केट में जो एक नई टर्म चली है नॉन फंजिबल टोकन, ये एग्जैक्टली होते क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको अब तक ये तो बता दिया कि नॉन फंजिबल क्या होते हैं, चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं टोकन के साथ। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने अपनी आर्ट को यूज करके एक बहुत अच्छी पेंटिंग क्रिएट की। इस पर्सन के पास एक ऑप्शन है कि ये पर्सन इस पेंटिंग को डिजिटाइज्ड वे में कन्वर्ट करे, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके इसको डिजिटाइज्ड करें और एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पर जाकर अपनी इस आर्टिस्टिक वर्क को लिस्ट कर दे और यही आर्टिस्टिक वर्क जब डिजिटाइज्ड होकर वहां प्लेस हो जाएगा तो दोस्तों इसी को हम नाम देंगे टोकन। और दोस्तों, इसी से एक नया नाम निकल कर आता है नॉन फंजिबल टोकन। यस, तो नॉन फंजिबल टोकन एग्जैक्टली है क्या? एक आर्टिस्टिक वर्क है जो अब टोकन का फॉर्म ले चुका है। दोस्तों, आप कहोगे कि पेंटिंग्स, आर्टिस्टिक वर्क तो आज के पहले भी नीलाम किए जाते थे, आज के पहले भी इनकी ऑक्शनिंग होती थी। यस दोस्तों, इनकी ऑक्शनिंग पहले भी होती थी, बस आप ये समझ लें कि NFT एक नए दौर की नीलामी है। फिजिकल मार्केट में ऑक्शनिंग कैसे होती थी? फिजिकल आर्ट की फिजिकल मार्केट में ऑक्शनिंग होती थी, लोग बैठते थे और बिडिंग करते थे, जो ज्यादा बिडिंग करता था वो जीतता था और बदले में उसे फिजिकल आर्ट अपने साथ ले जाने को मिलती थी, फिजिकल आर्ट के वो ऑनर हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही अब एक नया दौर आया है जब ऑक्शनिंग हो रही है डिजिटाइज्ड, जब ऑक्शनिंग हो रही है ऑनलाइन, और वो भी किस चीज की? किसी डिजिटाइज्ड आर्ट की। इसी को कहा जा रहा है नॉन फंजिबल टोकन। तो डिजिटाइज्ड आर्ट की डिजिटाइज्ड वे में कहीं ना कहीं होने लगी है अब ऑक्शनिंग। जो खरीद रहा है उसे उस पर्टिकुलर आर्ट का ऑनरशिप राइट मिलेगा। अब आप पूछोगे कि हाउ विल यू इंश्योर, आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस पर्सन के पास ये आर्ट है वही इसका ऑनर है, कोई दूसरा पर्सन ऑनर नहीं बन जाए? हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, NFT जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अधिकतर NFT इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू जब कोई पर्सन अपना NFT किसी और को बेचेगा, वो पर्सन किसी और को बेचेगा, तो हर ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होगा, हर ट्रांजेक्शन अपने आप में सिक्योर है और लास्ट बार जिस पर्सन ने वो खरीदा था वही पर्सन जब तक वो आगे ना बेच दे उस पर्टिकुलर NFT का माना जाएगा ऑनर। और चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसलिए रिकॉर्ड्स के साथ, ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ भी आमतौर पर हम मानते हैं कि नहीं की जा सकती। अब दोस्तों, एक नया सवाल खड़ा होता है कि NFT एक्चुअली फिर हमें तो बबल लग रहा है, ये क्या बात हुई? किसी भी आर्ट को आपने डिजिटाइज्ड कर दिया और लोग उसे करोड़ों रुपए में, मिलियंस ऑफ डॉलर में रुपए लोग उसे खरीद रहे हैं,
हमने देखा ट्विटर के सीईओ ने अपना फर्स्ट ट्वीट करीब करीब $3 मिलियन में बेच दिया। अब आप कहोगे ऐसा उसमें क्या था? कुछ लोग अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा वैल्यू पर बेच रहे हैं एनएफटी के थ्रू, तो क्या ये बबल है? दोस्तों आप कहने को कह सकते हैं कि एक बबल है, लेकिन हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब फिजिकल पेंटिंग फिजिकल आर्ट भी होती थी तो दिखने को बहुत ऑर्डिनरी सी आर्ट लोगों ने बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे में बहुत ज्यादा ज्यादा वैल्यू में खरीदी है। क्योंकि दोस्तों एक बहुत क्लियर बात है कि आर्ट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आर्ट एक्चुअली परसेप्शन है। तो आप इसे इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखेंगे तो बबल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे परसेप्शन की तरह देखेंगे तो जो पर्सन इसे खरीद रहा है लेट हिम डिसाइड कि वो इसकी वैल्यू क्या मानता है। तो एनएफटी कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि बबल है, ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा परसेप्शन का सब्जेक्ट मैटर है। अब आप कहेंगे ये चीजें डिजिटाइज्ड वे में आई क्यों, क्या फायदे हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के? सबसे पहला फायदा है क्रिएटर को, उसको एक ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट मिल रहा है अपनी आर्ट को बेचने के लिए। दूसरा फायदा कि यहां पर कहीं ना कहीं उसकी कॉपी एनएफटी जो एक आपकी यूनिक आर्ट है उसकी कॉपी कोई क्रिएट नहीं कर सकता। चूंकि एनएफटी के ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहे हैं इसलिए रिकॉर्ड्स की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था कि एनएफटी की बाइंग और सेलिंग होती कहां है, एक वर्ड जो मार्केट प्लेस आ रहा है ये क्या है? तो दोस्तों हमें समझना होगा कि एनएफटी कोई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन नहीं है जिसकी बाइनेंस पर आप ट्रेडिंग कर लोगे। एनएफटी की ट्रेडिंग मार्केट प्लेस पर होती है। मार्केट प्लेस मींस एक वेबसाइट, ऐसी बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां एनएफटी की लिस्टिंग हो रही है और मतलब एक पर्सन आकर अपनी एनएफटी को वहां प्रेजेंट करे और लोग उसकी बिडिंग करें, लोग इसकी खरीदी करें वहां से। तो डेफिनेटली एनएफटी की बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जगह मार्केट प्लेस से हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी सभी लोग एनएफटी के बदले में एनएफटी के कंसिडरेशन के बदले में पैसे नहीं, कोई करेंसी नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एनएफटी की डीलिंग अभी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। एक और बात सामने आती है कि क्या यहां पर कुछ थ्रेट भी है, कोई प्रॉब्लम्स भी है? तो यस दोस्तों, हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा कि ऐसे कुछ मामले सामने आए जहां कुछ लोगों ने किसी के ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क को अपना आर्टिस्टिक वर्क बताकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेच दिया। दूसरी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी लोगों को प्रैक्टिकल लग रही है कि यार जब हम पहले कोई आर्टिस्टिक वर्क खरीदते थे तो मैं कोई पेंटिंग खरीद के लाता था, चाहे करोड़ों रुपए में पेंटिंग खरीद के ला रहा था तो एटलीस्ट मैं उसे अपने साथ लाता था, मेरे घर में सजा कर रखता था, मुझे देखकर खुशी होती थी कि मैंने इतनी महंगी आर्टिस्टिक वर्क को खरीदा है। बट एनएफटी में आपको कोई फिजिकल आर्ट वर्क नहीं मिलेगा, ये केवल डिजिटल वर्क ही आपको मिलेगा जो कि डिजिटल फॉर्म में ही सेव होने वाला है। अब आप कहेंगे तो फिर हमें एनएफटी से कितना रिटर्न मिल सकता है? तो दोस्तों एक और बात हमें समझनी है कि एनएफटी का यूज रिटर्न के लिए नहीं, हम शौक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि मैंने पहले भी कहा ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा परसेप्शन का सब्जेक्ट मैटर है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो शौक के लिए ज्यादा और इन्वेस्टमेंट या रिटर्न के लिए कम। तो मतलब आप कहेंगे कि एनएफटी में कहीं ना कहीं लूप होल है? यस, लूप होल हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ही केवल एनएफटी की ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं टेम्परिंग रिकॉर्ड्स के साथ तो नहीं हो रही है बट लोग डिजिटल आर्ट को चुरा कर कहीं ना कहीं अपना बताकर उन्हें बेचकर चले जाएंगे। तो अभी इंडस्ट्री को एनएफटी का जो सबसे बड़ा लूप होल टेकल करना है वो ये कि आप कैसे यहां पर ऑनरशिप को प्रूव करोगे या कैसे आप यहाँ ऑनरशिप को छेड़छाड़ होने से रोक पाओगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की कि नॉन फंजिबल टोकन आर्टिस्टिक वर्क का डिजिटाइज्ड तरीका है जो एक नए दौर की नीलामी जैसा है और कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि इसके लूप होल्स पर कैसे ध्यान दिया जाए और कैसे इसके लूप होल्स से बचा जाए। थैंक यू सो मच।